दोस्तों आईपीएल साल 2023 का सीजन शुरू होने में भी कुछ महीनों का समय बाकी है और आप सभी को बता दें कि मिनी ऑक्शन बहुत नज़दीक आ चुका है। मिनी ऑक्शन से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारी अनाउंसमेंट आनी बाकी है। इंडिया के आगे आने वाले टूर्स के भी अपडेट्स काफ़ी आने वाली है, तो ये सभी अपडेट्स वगैरह हम आपको टेलीग्राम पर बताएंगे, तो फ्री में नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, और टीम केकेआर की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है और आज की वीडियो में मैं आप सभी फैंस को दिन भर की टॉप अपडेट्स बताने वाला हूं। वहीं दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि फैंटेसी चैनल काफी सारा बहुत सही यहां पर वीडियोस हम डाल रहे हैं, तो यार उसका लिंक नीचे है, आप उसको जरूर फॉलो और शेयर कर देना। खैर दोस्तों मैं आप सभी फैंस को बता दूं कि यहां पर टीम केकेआर की सभी अपडेट्स बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पूरी तरह तैयार है साल 2023 के लिए अपनी नई मैनेजमेंट और कुछ नए प्लेयर्स के साथ, और प्रॉमिसिंग भी लग रही है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग अब आपको क्या यहाँ पर कमी लग रही है टीम केकेआर में, जो आप पूरी होती हुई देखना चाहोगे। खैर टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट निकल कर आ रही है हेड कोच को लेकर। सो आप सभी जानते हो एमपी के कोच, और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम के, और कोच भी यहाँ पर धाकड़ कोच है चंद्रकांत पंडित। तो रिसेंटली दोस्तों अब आपको पता ही है आईपीएल भी नज़दीक आता जा रहा है, देखते ही देखते समय निकल जाता है, इसके बाद मिनी ऑक्शन की डेट भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो अब आप सभी फैंस को बहुत ही जल्दी बड़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो रिसेंटली हेड कोच की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है जहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बताया है कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, और आप सभी को बता दें कि उन्होंने बोला है कि वो पूरी तरह से तैयार है एक नई बिगनिंग आईपीएल के लिए करने के लिए, और उन्होंने बताया है कि अभी तक जितनी भी उनकी मैनेजमेंट वगैरह से बात हुई है उसमें जो इनका स्टाफ मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है, यानी उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो बनती जा रही है अपने अदर स्टाफ मेंबर से। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि अब जब कैंप लगेगा तो बाकी स्टाफ मेंबर्स ऑन फील्ड जो प्लेयर्स होने वाले हैं, जो भी आते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स जो भी हैं, उन सब से वो और अच्छा बॉन्ड बनाना चाहेंगे जिससे कि उनको आगे मदद हो। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हाँ वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे आईपीएल में कोचिंग करने की, इस बार उनको फाइनली मौका मिला है, तो आईपीएल के लिए वो वैसे तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं बट पूरी से तैयार हैं कि यहाँ पर डेब्यू ही सीजन में जिस भी टीम, उन्होंने ये नहीं बोला कि केकेआर के लिए, अगर वो किसी भी टीम के यहाँ पर कोच बनते तो उसको ट्रॉफी जिताते, तो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर इस बार तीसरी बार चैंपियन बन पाएगा। अगली अपडेट आ रही है रानामुला गुरबास को लेकर। सो आप सभी फ्रेंड्स को मैं बता दूं कि यहाँ पर रिसेंटली उनका जन्मदिन था, और साथ ही साथ एज एन ओपनर वो अभी अनाउंसमेंट भी उनकी हो चुकी है कि टीम केकेआर के ओपनर होने वाले हैं रानामुला गुरबास। अब बैकअप क्या होता है ये सारी वीडियोस हमने आपको पहले ही पहुंचा दी, आप आराम से जाकर बैकअप कर सकते हो। खैर कमेंट करके बता भी सकते हो आप कौन से फेवरेट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे। इसके अलावा दो ओडीआई भी उन्होंने रिसेंटली खेली है, एक में 53 रन बनाए तो एक में 68 रन बनाए, साफ दर्शाता है फॉर्म में तो है। आप कमेंट करके जरूर बताओ पहली बार आईपीएल में खेल रहे गुरबास जो ओपन करने वाले हैं, मतलब प्लेइंग 11 में आप उनकी क्या आशा है आपके साथ। अगली अपडेट आ रही है अनसोल्ड केकेआर को लेकर। सो दोस्तों तीन बड़े नाम जो टीम केकेआर ने रिलीज किए हैं वो शायद अनसोल्ड जाने वाले हैं, और कौन कौन से हैं ये नाम, तो यार दोस्तों नाम बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और आप भी शायद इससे रिलेट कर लोगे, जो कि एक बात है चमिका करुणारत्ने, मोहम्मद नबी और अजिंक्य रहाणे, ये तीन वो नाम हैं जो पूरी तरह से अनसोल्ड जा सकते हैं आईपीएल साल 2023 के ऑक्शन के अंदर। सो खैर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।